की प्रतिष्ठित एम्स प्रवेश परीक्षा का परिणाम आने के बाद एलन इंस्टीट्यूट में जश्न मनाया गया। इस दौरान परीक्षा में बेहतर परिणाम देने वाले एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ब्रिजेश महेश्वरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रामनुज भट्ट ने, सुनिए। इस तरीके समुद्र की गहराइयों में छुपा रहता है मोती और उसको भी बाहर निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर अगर बात की जाए तो तमाम उस तरीके के मोती को बाहर निकाला था जो देश और पूरे विदेश के अंदर नाम करते हैं। आखिर उनका श्रेय किसको जाता है? हमारे साथ मौजूद है उनके डायरेक्टर ब्रिजेश माहेश्वरी जी। ब्रिजेश जी, करियर इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए, आपके एलन करियर इंस्टीट्यूट की, कहाँ से आपने शुरुआत करी? क्योंकि शुरुआती दौर में आपको कठिनाइयाँ भी होंगी, लोगों को प्रचार प्रसार तमाम चीज़ें होती हैं, कहाँ से शुरुआत करी आप? देखिए, एलन की स्थापना हुई 18 अप्रैल 1988 और आज इसको 29 वर्ष हो चुके हैं। इसकी स्थापना हमारे बड़े भाई राजेश माहेश्वरी ने स्टार्ट करी। उनका पढ़ाई का अलग जुनून था, लेकिन अब ये कारवा बढ़ता गया और अब एलन के सेंटर भी खुल गए। मेन सेंटर तो कोटा है, एज ए हेड ऑफिस कह दीजिए, उद्गम कह दीजिए, और अभी इसके 6 सेंटर्स और हैं। इसमें अब एक इंदौर सेंटर जिसको 2 साल हुए हैं, और 2 साल के अंदर इंदौर में जिस तरह से बच्चों ने रिजल्ट को प्रोड्यूस किया है, जैसे लास्ट टाइम हमारे इसी मेडिकल स्ट्रीम के हिसाब से नित यूजी के रिजल्ट की टॉप रैंक थी 175 इंदौर सेंटर से। इस बार शुरुआत हुई, सेकेंड और थर्ड रैंक वहाँ से आई है। इसका मेन कारण ये भी रहा क्योंकि हमने इस बार एक शुरुआत करी नई चीज़ की। हमने इंदौर में बच्चों के लिए एकेडमिक कोहिनूर सेंटर बनाया, जहाँ बच्चों की पढ़ाई भी वहीं होगी, रहना भी वहीं है, पढ़ना है, सोना है, खाना है, टेस्ट के हिसाब से टेस्ट वहाँ देना है, डिस्कस वहीं होना है। टीचर हमेशा उनके राउंड द क्लॉक 24/7 हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कई बच्चों को 3 बजे बाद रात को भी दिक्कत आती है तो भी फोन से डाउट दूर हो जाता है, फेस टाइम्स हो जाता है, स्काइप्स हो जाता है, और ज़्यादा बड़ा डाउट होता है तो सुबह 6 बजे आके टीचर पढ़ाई भी चालू कर देता है। अल्टीमेट केयरिंग इन एकेडमिक्स, ये इंस्टीट्यूट का खास है। और बाकी तो मेन चीज़ तो बच्चा एक जिद लेके चलता है, एक उसका जुनून होता है, एक उसको लगन लगी रहती है कि बस मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत दुनिया क्या जाने, वो मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने।